नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल अमित। और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बढ़िया माइक के बारे में, बजट माइक के बारे में, जिसका प्राइस केवल और केवल 500 से 550 रुपए है। इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और दोस्तों, इस माइक का नाम है आईबॉल रोकी हेडसेट। दोस्तों, ये एक हेडसेट है बट आप इसको एज ए माइक यूज कर सकते हो क्योंकि जो इसकी माइक क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और दोस्तों, ये वीडियो मैं इसके लिए, और मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था कि पिछले कुछ दिनों से काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप माइक कौन सा यूज करते हो। उनके दिल में पता नहीं क्या था कि मैं पता नहीं कौन सा माइक यूज करता हूं। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, मैं अभी भी अपना आईबॉल रोकी हेडसेट यूज कर रहा हूं एज ए माइक। मेरी जो नीचे मैंने एक चेयर लगाई हुई है वहां पे मैंने उसको उस चेयर के साथ लगाया हुआ है। तो मैंने हर रिकॉर्डिंग अपने इस हेडसेट से की है। क्वालिटी आप मेरी वीडियोस को देख के चेक कर सकते हो कि कैसी क्वालिटी है। मुझे तो लगता है बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है क्योंकि दोस्तों, अगर आपको ऐसी क्वालिटी चाहिए तो आपको काफी ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। अगर आप उन ब्लू स्नोबॉल्स जो भी चलता है आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास है, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है दोस्तों कि मैं ये सब ले पाऊं। अभी भी मैंने ये जो सारा सेटअप किया है सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों से किया है मैंने, मतलब यूट्यूब से तभी कुछ अर्न नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको मैं यही प्रेफर करता हूं, अगर आपने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, आपका जो बजट है वो बहुत ही कम है और आप ढूंढ रहे एक बढ़िया माइक अपने लिए जिसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया हो, एज ए हेडसेट भी आप उसे यूज कर सकते हो, तो इससे बढ़िया दोस्तों मैं आपको बोलूं ना, इस 2 से 2500 की रेंज में भी इससे बढ़िया माइक आपको नहीं मिलने वाला है। इसकी साउंड क्वालिटी तो सही है ही बट ये जो हेडसेट है ये अपने माइक की उस क्वालिटी से जाना जाता है। मुझे लगता है मैंने बहुत बढ़िया किया है आपको बता के कि आपको भी शायद पता चले, क्योंकि काफी ऐसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं जो इतना बजट नहीं रखते हैं जो बड़े बड़े माइक ले पाए। अब आगे दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, इसकी वायरिंग कितनी लंबी है, कैसे स्लॉट्स मिलते हैं। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसको अपना कैमरा के साथ यूज करना चाहते हो DSLR कैमरे के साथ तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है। दोस्तों, मैं भी अपने इसे DSLR कैमरा से ही इसको अटैच किया हुआ है, कैनन 700D से। अब यहां पे बात आती है, अगर आप इसको अपने लैपटॉप में यूज करना चाहते हो तो क्वालिटी तो सेम है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट वहां पे आपको हो सकता है एक स्प्लिटर केबल की जरूरत पड़े। उसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। दोस्तों, क्या आता है लैपटॉप में, अगर एक ही 3.5 mm का जैक हो तो उसमें ये कनेक्ट नहीं होता है, आपको उसके लिए साउंड कार्ड जिसे बोलते हो, स्प्लिटर केबल भी बोल सकते हो दोस्तों, तो उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। अभी तक तो जो मेरी एफिलिएट मार्केटिंग है उसका 0 है, तो हो सके तो मेरे जो लिंक है नीचे दिए गए वहां से ही बे करना। आपको प्राइस तो उतना ही पड़ेगा, आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा बट चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे थोड़ी सी पिक्स है, आप वो देख के जाइएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के कहीं पर भी लगे हम आपकी दोस्ती के काबिल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कल एक ऐसी वीडियो के साथ। खुश रहिए, सलामत रहिए।